तो हेलो एवरीवन, आगे नई वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले एक बजट माइक के बारे में। और ये माइक है, ये बोया ने बनाया और इसका नाम है बोया का M1 माइक। और ये कोई भी 200 वाले मार्केट में आने वाले 200 माइक रुपये वाले माइक से अच्छा है। और ये कंडेंसर माइक है और इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्टन आ गया है और इसका कार्टन कुछ इस प्रकार का है। और आप देख सकते हैं इसे हर एंगल से। और यहाँ पे इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस और फंक्शन दिए हुए हैं इसके। और यहाँ पे प्राइस भी है। तो सिर्फ सीधे अनबॉक्सिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो अनबॉक्सिंग में लगेगा आपको अच्छा से इसका पैकेजिंग किया गया। और सबसे पहले आप खोलेंगे तो आपको एक पाउच मिलेगा और ये पाउच के साथ आपको वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल भी मिलता है। तो ये हमारा यूज़र मैनुअल आप पढ़ लीजिएगा तो आपको इसे ऑपरेट करने में आसानी होगी। लेकिन जो इसमें मेन लिखा हुआ है मैं आपको बता दूंगा। तो इसके वारंटी कार्ड के बारे में, तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ पॉलिसीज लिखा हुआ है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो इसे साइड में रखते हैं और हमारे पाउच को खोलते हैं। तो इस पाउच ही में हमारा माइक है और ये माइक के बारे में ही हमें बात करना। तो इसी सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो ये निकल गया। उसके साथ आपको मिलता है एक ओके टेस्टेड वाला। तो आप इसे जाने दीजिए कि इसमें चाइनीज़ में लिखा हुआ है तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और ये ऐसे लिखा जाता है, ऐसे फेंकने के लिए ही रखा जाता है। तो आप इसे फेंक दीजिए और उसके बाद आप इसे खोलिए। तो इसमें आपको मिलेगा एक क्लिप जो कि माइक के साथ लगता है। तो और एक और साथ में विंडशील्ड मिलता है और एक बैटरी मिलता है नॉर्मल वाले से, थोड़ा सा बड़ा है ये। और इसके साथ आपको मिलता है एक DSLR या कैमरा में लगने के लिए माइक कन्वर्टर। और आपका माइक कुछ ऐसा दिखता है। और बैटरी कहाँ लगानी है वो मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें दो मोड है, कैमरा और स्मार्टफोन के लिए। तो वो जब आप कैमरा पे स्विच करिएगा तभी आपको बैटरी का यूज़ होगा। और ये खुलता है यहाँ से और यहाँ पे आप बैटरी लगाएंगे। तो ये लगाना बहुत आसान है। और स्मार्टफोन के यूज़ के लिए आपको इससे में बैटरी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसका कुछ केबल का लेंथ 6 मीटर है और ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और क्लिप लगाना है तो आपको सिंपली ऐसे क्लिप को लेना है और इसे जेंटली प्रेस करना है और ये लग जाएगा। और बैटरी भी लगा देता हूँ ताकि कुछ लोग को दिक्कत होता है कि कैसे लगाना, ये उनको नहीं पता होता है, तो ये भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको बस बैटरी को ऐसे लेना है और इसके साथ ऐसे करके इसे प्रेस कर देना है और ये लग जाएगा। और ये वाला इसे लॉक यानी बंद कर दीजिए। तो इसे बंद कर दीजिए। और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट कीजिए। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए। और क्या कमी है, क्या अगर हमको कुछ सुधारना है इसमें तो आप बताइए। और इस वाले में ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेट हो गई क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे। तो अब वीडियो रेगुलरली आएगी और एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि इस माइक का कंपैरिजन करूँगा मैं एक 200 या 150 या 250 वाले माइक से जो कि आपको नॉर्मली ऑनलाइन पे मिल जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।